दोस्तों, किस्मत के दरवाजे पर सर पटकने से बेहतर है कि कर्मों का एक तूफान पैदा करो। सक्सेस के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर वन, फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आप लोगों ने पेड़ तो बहुत टाइप के देखे होंगे, पर आपने कभी ड्रैगन ब्लड ट्री के बारे में सुना है? दोस्तों, ड्रैगन ब्लड ट्री दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसे काटने पर इसमें से खून निकलता है, यानी कि ब्लड निकलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब इस पेड़ को काटा जाता है तो इसमें से निकलने वाला जूस हवा के संपर्क में आते ही गहरा चमकीला लाल रंग का हो जाता है, बिल्कुल ब्लड की तरह। तो लोगों का मानना है कि इस पेड़ को काटने पर इसमें से खून निकलता है, जबकि इसके पीछे का कारण मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों, ये पेड़ इंडिया के असम में पाए जाते हैं और कहीं न कहीं ये पेड़ प्रूफ करता है कि पेड़ों में भी जान होती। फैक्ट नंबर टू, फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में आप लोगों ने कछुए यानी कि टर्टल तो देखे ही होंगे। दोस्तों, रियल में ना सही, आप लोगों ने वीडियोस में या टीवी में तो जरूर देखे होंगे, पर आपको एक कछुए की एवरेज एज पता है? दोस्तों, एक कछुए की एवरेज एज लगभग 150 साल से लेके 200 साल तक होती है, मतलब एक कछुआ मिनिमम 150 साल तो जीता ही है। क्या ये आपको पहले से पता था? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताना जरूर। नहीं। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों, आपको ये तो पता होगा एक अडल्ट इंसान के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, पर क्या आपको हायोइड बोन के बारे में पता है? दोस्तों, हायोइड बोन हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी बोन होती है जो किसी और बोन से जुड़ी हुई नहीं होती है, सीधे हमारे मसल से जुड़ी हुई होती है। और दोस्तों, ये बोन हमारे गर्दन के ऊपर होती है और हमारी जीभ यानी हमारे टंग को जकड़े हुए रहती है ताकि हमारी जीभ अपनी जगह पे रह सके। फैक्ट नंबर फोर, फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि अंतरिक्ष यानी स्पेस में कोई भी लिविंग बींग बिना किसी इक्विपमेंट के जिंदा नहीं रह सकता है, पर क्या आपको पता है टार्डीग्रेड दुनिया का एकमात्र ऐसा लिविंग बींग है जो कि अंतरिक्ष में 10 दिन से ज्यादा जिंदा रह सकता है। ये बात काफी अमेजिंग है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों, आपने मछलियां तो देखी होंगी, पर क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है, पानी में तैर सकती है और जमीन में चल भी सकती है? सवाल थोड़ा अजीब है, पर दोस्तों, गरनाई मछली एक ऐसी मछली होती है जो हवा में उड़ सकती है, पानी में तैर सकती है और जमीन में चल भी सकती है। दोस्तों, ये मछली वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में पाई जाती है और ऐसी मछली की कई प्रजातियां होती हैं जो हवा में उड़ भी सकती हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों, आप लोगों ने इस तरह के लाइटर तो बहुत सारे देखे ही होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस भरी हुई होती है? अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई, सिगरेट लाइटर में एलपीजी गैस भरी होती है जो कि हमारे किचन्स में नॉर्मली यूज की जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, सिगरेट लाइटर में लिक्विफाइड ब्यूटेन गैस भरी जाती है। दोस्तों, ब्यूटेन गैस को काफी ज्यादा कंप्रेस करके लिक्विफाइड करने के बाद उस छोटे से सिलेंडर में भर दिया जाता है। उसके बाद जब हम फायर करते हैं तो वो इजीली बर्न होने लगती है। क्या ये आप पहले से जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट में मेंशन जरूर कीजिए। नहीं। फैक्ट नंबर सेवन, दोस्तों, गेटवे फाउंडेशन ने कहा है कि वो अंतरिक्ष यानी स्पेस में दुनिया का सबसे पहला होटल बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इस होटल का नाम रुवान रोटेटिंग स्पेस स्टेशन होगा। दोस्तों, इस होटल में आपको आर्टिफिशियल ग्रेविटी भी देखने को मिलेगी, यानी कि सेम वैसा ही फील होने वाला है जैसा कि अर्थ में होता है। दोस्तों, इस होटल में आपको सभी फैसिलिटीज दी जाएंगी जो कि हमारे अर्थ के होटल्स में जैसे दी जाती हैं। इस होटल के पूर्ण तरह तैयार होने की उम्मीद लगभग 2025 तक है। फैक्ट नंबर एट, दोस्तों, पानी हमारे जीवन का आधार है और पानी के बारे में आप लोगों को बहुत सारी बातें पता भी होंगी, पर क्या आप लोगों को पता है कि पानी के बारे में एक चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम पानी को जमाने की बात करें तो ठंडे पानी की बजाय गर्म पानी बहुत जल्दी जम जाता है,
पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण आप लोगों को पता हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों मेघालय की उमंगोट नदी भारत की सबसे साफ और स्वच्छ नदी मानी जाती है। इस नदी की कुछ तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों इस नदी में आप गहराई तक सारे पत्थरों को आसानी से देख सकते हैं, ये काफी अमेजिंग है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारी फैमिली के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलता हूँ आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।